As you know that we have started another subject, use of emerging technologies in the library. Today we will present lecture number 8. Its title is Wireless Technology and Virtual Private Network. आम लफ्जों में इसे VPN भी कहते हैं. I myself Abid Hussain, MPhil Library Information Science Scholar. My email is write to abidhussain@gmail.com. So let's start from the very first slide. What is wireless? Wireless technology. Wireless technology kya hai? Wireless technology refers to the transmission of data and information over radio waves without the need for physical wired connection. Wireless technology वो होती है जो कि तारों के बगैर रेडियो वेव्स के जरिए से डेटा ट्रांसमिशन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है. The history of wireless technology dates back to the late 19th century when Guglielmo Marconi pioneered the development of wireless telegraphy. Marconi के नाम से आप सब लोग वाकिफ है जिन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी बनाई, मतलब रेडियो स्टेशन के मुवज्जिद, जिसका नाम था गुगलीलमो, और उसका मतलब आम लफ्जों में मार्कोनी कहा जाता है, जो कि पाइनियर है. और कब? 19th सेंचुरी में इन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी बनाई थी, लीडिंग टू द इन्वेंशन ऑफ रेडियो. जैसे कि फिर इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेके उसने रेडियो को जो है ना ईजाद किया. सब्सिक्वेंट एडवांसमेंट इन द 20th सेंचुरी सच एज द इन्वेंशन ऑफ ट्रांसमीटर, द डिवेलपमेंट ऑफ माइक्रोवेव एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न वायरलेस टेक्नोलॉजी. 20वीं सदी के आगाज में कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव, सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और इस तरह नित नए अंदाज में मॉडर्न वायरलेस टेक्नोलॉजी आई, जिसकी जो है एक एग्जाम्पल ये मोबाइल भी. The emergence of mobile telephony in the 1980s marked a significant milestone. ये 20वीं सदी के बिल्कुल आखिरी अयाम में, जैसे कि 1980 में सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया गया था. और वो क्या थी? वो है टेलीफोन. जब टेलीफोन आ गया तो माइक्रोवेव्स, फ्रिक्वेंसीज, रेडियो वेव्स और इस तरह के जो ना सेटेलाइट वेव्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई. Adoption of Wi-Fi technology in the 1990s enabling wireless internet connectivity. 1990 में इस टेक्नोलॉजी पे इतनी जो ना मेहनत हो गई कि Wi-Fi टेक्नोलॉजी हमारे से वजूद में आई थी, और वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए से आजकल पूरी दुनिया जो ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट. टुडे वायरलेस टेक्नोलॉजी एनकंपासेस अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग मोबाइल कम्युनिकेशंस, वायरलेस नेटवर्किंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, IoT जिसका आम लफ्जों में इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, रिवोल्यूशनाइजिंग हाउ वी कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल एज. 1990 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा नित नए ईजाद आते हैं, जिसमें सबसे सारे फेरस थे वायरलेस नेटवर्क और वायरलेस पुलिस वाले 4G लोग इस्तेमाल करते, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस आ गए, रिमोट कंट्रोल इसका जो बहुत अच्छा एग्जांपल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, दुबई में मैच हो रहा है आप यहाँ पे देख रहे हैं. इसने पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया की जो ना एक कनेक्शन के लिए एक नया इनकलाब दिया. और इस किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था? कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट किया जाए, एक्सेस, रसाई. और फिर क्या है इसके बाद? हाउ वी कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल डिजिटल एज में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, रसाई कैसे करते और इंफॉर्मेशन की हसूल कैसे करते. फर्स्ट स्लाइड में मैंने व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN पे थोड़ी सी रोशनी डाली. ऑल्दो ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ
ये मैंने इसके साथ सरद इस लेक्चर को तैयार किया, इस पे पूरी पूरी किताबें लोगों ने लिखी है, क्योंकि हमारी जरूरत करिकुलम में आपको थोड़ा सा नॉ हो दिलाना, आपको बेसिक चीजों का पता नहीं है तो ये आप सीख लें। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क विपिन इज अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शंस ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। वीपीएन का क्या काम है? इनक्रप्ट कर रहे हैं। इनक्रप्ट का मतलब ये है कि आपस में दो चीजों को कनेक्ट करना, टिपिकली द इंटरनेट। इंटरनेट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। इट्स हिस्ट्री ट्रेसेस बैक टू द लेट 1990s व्हेन माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड द पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, पीपीटीपी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ने पहली दफा इस सिस्टम को मुतारफ कराया, वन ऑफ द अर्लीस्ट वीपीएन प्रोटोकॉल्स। इसको सबसे पहले यूनो वीपीएन प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे अलाउड रिमोट यूजर्स टू सिक्योर एक्सेस कॉर्पोरेट नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। इसी के जरिए से नेट पे आप जो कि रिमोट यूजर होता है वो सिक्योरली एक्सेस कर सकता था, मतलब उनके और इनके दरमियान एक रबर। एज इंटरनेट यूजेज ग्रू सो डिड द नीड ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द वीपीएन प्रोटोकॉल्स लाइक लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल्स L2TP। लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल ये एक नया जो है प्रोटोकॉल आया था, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IPSEC। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए से वीपीएन को भी कनेक्ट किया जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। सिक्योर सॉकेट लेयर अक्सर वेबसाइट पे दिया जाता है ताकि आपका वेबसाइट सिक्योर हो, SSL सर्टिफिकेट दिया जाता है। VPNs इन द अर्ली 2000 फर्दर एक्सपेंडेड VPN कैपेबिलिटी एनेबलिंग सिक्योर रिमोट एक्सेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस एंड डिवाइसेस। टुडे VPNs आर वाइडली यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट वर्क, ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, बाईपासिंग ड्यू रिस्ट्रिक्शंस एंड इंश्योरिंग इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क्स। आजकल का जो VPNs है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, मुख्तलिफ कामों के लिए सिक्योर रिमोट वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ड्यू रिस्ट्रिक्शन को भी जो ना बरकरार लाते। इसी तरह इनक्रिप्टेड महफूज कम्युनिकेशन अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आखिरी स्लाइड पे आते हैं कि यूज ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इन द लाइब्रेरी। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो हम थोड़ी सी आखिरी स्लाइड में उसको भी रिफाइन करें। वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPNs हैव ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरीज बाय एनहांसिंग कनेक्टिविटी एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जब से VPN आया है तो लाइब्रेरी के लिए चैनलाइज प्रोसेस हो गया। अब लाइब्रेरियाँ अपनी कनेक्टिविटी को भी इनहांस कर रहे, एक्सेसिबिलिटी यानी एक्सेस दी जाती है, एंड सिक्योरिटी और सिक्योरिटी भी फराहम करती है डेटा। लाइब्रेरीज यूटिलाइज वायरलेस टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस टू पेरेंटल्स एनेबलिंग देम टू कनेक्ट देयर डिवाइसेस एंड एक्सेस डिजिटल रिसोर्सेज सीमलेसली। लाइब्रेरी में वाईफाई UVPN और वायरलेस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसीलिए दी जाती ताकि लोग रिसोर्सेस को एक्सेस करें। दिस फैसिलिटेट्स रिसर्च स्टडी एंड कोलाबोरेशन इन लाइब्रेरी प्रमिसेस। लाइब्रेरी प्रमिसेस के दरमियान मतलब आपके लाइब्रेरी की जो चार दीवारी होती है उसको रिसर्च स्टडी पर्पज के लिए कोलाबोरेशन, ताकि आप लाइब्रेरी के हदूद में रहते हुए ये सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो। एडिशनली लाइब्रेरीज एम्प्लॉय VPNs टू एंश्योर सिक्योर रिमोट एक्सेस टू लाइब्रेरी डेटाबेस के खिलाफ एंड डिजिटल कनेक्शन फॉर ऑथराइज यूजर। जैसे कि क्लब्स आए ऑथराइज यूजर, VPN से जो लोग सर्विसेज को शुल्क कर रहे हैं, मैं मिसाल दे दूंगा आइडिया विन यूनिवर्सिटी, मैं मिसाल दे दूंगा नेशनल डिफेंस, मैं मिसाल दे दूंगा नस्क की। जो बच्चे यानी पेट्रंस लाइब्रेरी के कस्टमर्स घरों से इसी डिजिटल लाइब्रेरी को यूज कर रहे होते हैं तो उनके एक VPN नंबर दिया जाता है, प्रोटोकॉल दी जाती है, उसको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है और फिर घर बैठ के वो डेटाबेस से मुस्तफ़ीद हो। VPNs इनक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिशन
प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी एंड इनेबल लाइब्रेरी एंड पैट्रन टू एक्सेस लाइब्रेरी रिसोर्सेज सिक्योरली फ्रॉम एनी रिक्वेस्ट। लोकेशन कहीं पे भी आप बैठे हुए तो लाइब्रेरियन पैट्रन को ये सहूलियत फराहम कर, फर्दर एनहांसिंग इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड सर्विस इन मॉडर्न लाइब्रेरीज। और इसी से लाइब्रेरियन की जो है ना एक्सेस एनहांस हो गई यानी बढ़ गई है और मॉडर्न लाइब्रेरी के तकाजों को पूरा करते लाइब्रेरी में वायरलेस टेक्नोलॉजी और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल बहुत आम होता जा रहा है। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ गेन किया होगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने लाइब्रेरी प्रोफेशनल लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, और आपकी सपोर्ट के बगैर जो है ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगी। हम अलैना इल्लल बला। अस्सलाम वालेकुम।